सबका आपके अपने चैनल माँ का मेन्यू में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी मंचूरियन। तो चलिए देख लेते हैं गोभी मंचूरियन की रेसिपी। और अगर अब तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है माँ का मेन्यू। मैंने 500 ग्राम गोभी ली है जिसे मैंने धो के सुखा लिया है। अब हम इसमें काली मिर्ची पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे चौथाई चम्मच, नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हम सॉस भी डालेंगे उसमें भी नमक होगा, इसलिए आप पहले से ही देख लें। और अब हम इसे धीरे धीरे टॉस करते हुए मिक्स कर लेंगे मसाले। अब हमने मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे, दो चम्मच ही हम मैदा डालेंगे। मैदा और कॉर्नफ्लावर अपने अपने अकॉर्डिंग देख लें, क्योंकि आपकी गोभी कितनी है कम ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग, ताकि सारा मसाला अच्छे से कोट हो जाए। और अब हम इसे धीरे धीरे टॉस करते हुए मिक्स कर लेंगे। मैदा और कॉर्नफ्लावर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 2 चम्मच पानी डालेंगे, ताकि हमने जो भी मसाले डाले हैं वो अच्छे से चिपक जाए गोभी के। गोभी और सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में ऑयल लिया था, ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें गोभी डाल देते हैं और गोभी को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हैं, ताकि गोभी अंदर तक अच्छे से पक जाए। गोभी डालने के बाद आप 2 से 10 सेकेंड तक उसे टच ना करें, और इसे हो सके तो कढ़ाई से इस तरीके से हिला दें, वरना हमने जो भी मसाले और मैदा कॉर्नफ्लावर लगाया है वो उतर जाएगा, चिपकेगा नहीं इसके। अभी गोभी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अभी हम इसे लो फ्लेम पे और फ्राई करेंगे डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक, ताकि हमारी गोभी अच्छे से पक जाए। गोभी फ्राई हो चुकी है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। मैंने उसी कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है जिसमें मैंने गोभी फ्राई की थी। अब हम इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। आप चाहें तो इन्हें बारीक काट के भी डाल सकते हैं। लहसुन अदरक को पका लिया है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को भी हम हाफ कुक करेंगे। प्याज हाफ कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें सॉस डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं इसमें सेजवान चटनी डाल रही हूँ, आप चाहे तो रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। टमाटो केचप डालेंगे। और विनेगर डालेंगे। मैंने 1 चम्मच विनेगर डाला है। अब हम इसे 5 सेकंड के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें थोड़े हरे प्याज डालेंगे और इसे मिक्स करके जो गोभी फ्राई करके रखी थी वो भी डाल देंगे, और हल्के हाथ से इसे मिक्स कर लेंगे। हमने गोभी को अच्छे से सॉस में मिक्स कर लिया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। लीजिए, अब हमारे गोभी मंचूरियन तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरा हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।